पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर भगवंत मान की सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। पहले अजनाला में अमृतपाल सिंह ने थाने पर हमला बोलकर भगवंत मान की सरकार को ठेंगा दिखाने का काम किया और अब गोविंदवाल जेल में हुए गैंगवार ने मिट्टी पलित करने का काम किया है। आज गोविंदवाल जेल से दो वीडियो वायरल हुए हैं जो कुछ दिन पहले गोविंदवाल जेल में हुई गैंगवार की असली कहानी बता रहे हैं। इन दोनों वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जहां मर्डर के बाद जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं वे वीडियो शूट करके मारे गए गैंगस्टरों की डेड बॉडी दिखा रहे हैं। इन दोनों वीडियो के जारी होने के बाद पंजाब सरकार में खलबली मच गई है। पंजाब की गोविंदवाल जेल में मूसेवाला के कातिलों के बीच हुई गैंगवार के दो वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो लॉरेंस गैंग के सचिन भिवानी ने बनाए हैं। इनमें अंकित सिरसा के अलावा उसके दूसरे गैंगस्टर साथी भी नजर आ रहे हैं। यह सब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे मंदीप तूफान और मनमोहन सिंह मोहना के कत्ल का जश्न मना रहे हैं। दोनों वीडियो सामने आने के बाद जेल में मोबाइल इस्तेमाल को लेकर पंजाब सरकार में हड़कंप मचा गया है। पुलिस ने दोनों वीडियो की जांच शुरू कर दी है। इन वीडियो के वायरल होने के बाद भगवंत मान के उन दावों की पोल खुल गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में पुलिस का राज है और पुलिस के सामने कोई नहीं टिक सकता। दोनों वीडियो जारी होने के बाद ये साफ हो गया है पंजाब की जेलों में माफिया गैंगस्टरों का दबदबा है और वहाँ पुलिस की बजाय गैंगस्टर राज करते हैं। अब पहले ये जानिए कि दोनों वीडियो में क्या है। पहले वीडियो में सचिन गैंगस्टर के साथ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। सचिन भिवानी जेल के अंदर मारकर फेंके गए मनदीप तूफान और मनमोहन मोहना के शव दिखा रहा है। इस दौरान जेल के सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं मगर सचिन भिवानी व उसका साथी गैंगस्टर खुलेआम दोनों के शव दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यानी उन दोनों ही गैंगस्टरों को सामने खड़ी पुलिस का कोई डर नहीं है, सुरक्षाकर्मियों का कोई खौफ नहीं है और वो बेधड़क होकर वीडियो बनाते रहे और पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे। दूसरे वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि वे धमकी दे रहे हैं। गैंगस्टर कह रहे हैं कि पहले मूसेवाला को मारा और अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो के अंदर सचिन भिवानी के साथ लॉरेंस गैंग के बाकी सभी गुर्गे इकट्ठा हैं जिसमें वह तूफान और मोहना को मारने का जश्न मना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि हमने मूसेवाला को मारा है और आप किसी भी विरोधी को नहीं छोड़ेंगे। हम आपको बता दें कि 6 दिन पहले गोविंदवाल जेल में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू के गैंगों के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें जग्गू गैंग के मंदीप तूफान और मोहना की हत्या कर दी गई थी जबकि उनका एक साथी केशव गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस केस में पुलिस ने मनप्रीत भाऊ, सचिन भिवानी, राजेंद्र जोकर, अंकित शेरसा, कशिश अरशद खान और मलकीत किता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि जेल के नियमों के अनुसार इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। जेल में कही गई सख्ती के अनुसार कोई कैमरा या कोई फोन अंदर नहीं जा सकता लेकिन जिस तरह से दोनों वीडियो के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे सरेआम वीडियो बना रहे हैं, सरेआम जश्न मना रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि पंजाब की जेलों में भगवंत मान की सरकार का कोई दबदबा नहीं है, पुलिस तंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो सभी जेलों के पुलिसकर्मी गैंगस्टरों से डरते हैं या वो बिक गए हैं। भगवंत मान के लिए इन दोनों ही वीडियो को जारी होने के बाद जवाब देना मुश्किल हो गया है क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि उनके राज्य में उनकी सरकार में माफियों और गुंडों को ख़त्म कर दिया जाएगा लेकिन दोनों वीडियो बता रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार में सिर्फ और सिर्फ जेलों में गैंगस्टरों का राज चल रहा है, उनकी मनमर्जी से सब कुछ उनको मुहैया कराया जा रहा है और वो बेखौफ होकर जश्न मना रहे हैं। यानी पंजाब की जेलों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतना मजबूत हो गया है कि वह पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में धड़ल्ले से मर्डर करता है, धड़ल्ले से वीडियो बनाता है और धड़ल्ले से मर्डर का जश्न मनाता है। इसे क्या कहिए, इसे साफ तौर पर भगवंत मान सरकार की नाकामी कहा जाएगा, इसे साफ तौर पर जेलों के अंदर गैंगस्टरों के राज का प्रतीक कहा जाएगा और कहा जाएगा कि जेलों में भगवंत मान नहीं बल्कि गैंगस्टरों का राज चल रहा है। पंजाब में चल रही गैंगवार और जेलों के अंदर गैंगस्टरों के राज को लेकर आप दूसरी खबरों के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।